हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई 2.0। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉक टेस्ट 19 के डिस्कशन में। आज फिर से आपके सामने हम लेके आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग 10 क्वेश्चंस विद द टाइमर ऑफ कोर्स, और हर क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा 30 सेकंड्स का। सो होप यू ऑल आर रेडी टू सॉल्व दिस 10 क्वेश्चंस, और इस रोलर कोस्टर की आधे घंटे की राइड में आज कल जैसी कंडीशन ना बने कि क्वेश्चन ईजी तो लगेगा पर आंसर आते समय दिक्कत हो जाएगी। आज क्वेश्चन इजी लगे तो आंसर भी इजीली आए, ये कोशिश करना। फटाफट वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ एसएससी लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए बट ऑफ कोर्स स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए भी, राइट। सो होप यू गेट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस और आज अच्छे से आपका 10 out of 10 स्कोर हो। तो लेट्स बिगिन अप विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले लेकिन ऑफ कोर्स जो आपको पता ही है कि डेली बेसिस पे एक रिचुअल है जिसको करना ही है, हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और प्रोफाइल अनअकैडमी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप नॉन सब्सक्राइबर हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, तो भी आप हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे अटेंड कर सकते हैं। टाइमिंग जिसकी है 7:30 से 8:30 सुबह बैंक और 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी। ये क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे मंडे से संडे तक होती हैं, तो इसमें रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बनाए रखो। तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आज क्लास है कि नहीं, कल है कि नहीं, पता चलेगा तो ही हम आएंगे ना। एक रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी बिल्डअप कर लो यहाँ। इसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो 12 बजे से 1 बजे तक का बैच भी अटेंड करो, जिसमें एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की हम टॉपिक वाइज तैयारी करा रहे हैं। मोरओवर, अगर अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, डू रिमेंबर दिस स्पेलिंग वेरी केयरफुली। अब नॉन सब्सक्राइबर्स को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो जो कोड यूज करेंगे वो है SMS10, जिससे 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, साइड बाय साइड किसी और एजुकेटर की क्लास अटेंड करने की फैसिलिटी भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेंगे, क्विजेज भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब कैसे सब्सक्रिप्शन लोगे, एक बार ज़रा उस पर भी नज़र डालो। फटाक से हमारी प्रोफाइल ओपन करना। प्रोफाइल ओपन करते ही जैसे हमारे कोर्स पे क्लिक करोगे, कोर्स पे क्लिक करते ही आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिख जाएगा। उस पे जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ हमने दो ड्यूरेशंस हाईलाइट की है, एक 6 month और एक 12 months। अब 6 month की अगर हम बात करें तो इसका कॉस्ट आपको दिखेगा 4800, 12 months का कॉस्ट दिखेगा 6000। जैसे ही आप इस पे कोड अप्लाई करोगे SMS10, ये 4800 विल बिकम 4320 और 6000 विल बिकम 5400। तो बहुत ही जेन्युइन रीजनेबल अमाउंट में आपका ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यहाँ से कम्प्लीटली डन हो जाएगा। सो डू थिंक अबाउट इट, एक बार लर्नर्स ऐप पे जाके इसको ट्राई ज़रूर करना, देखना, बेनिफिशियल है डेफिनेटली। अब शुरू करते हैं आज के सेशन, होप यू ऑल आर रेडी। टाइमर मिलेगा ही मिलेगा आपको क्वेश्चन के साथ, तो डू ट्राई सॉल्विंग विद इन द गिवन टाइम, राइट। तो चलो लेट्स हेड ऑन, मूव ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव 30 seconds। फिगर काउंटिंग है। Nice. कुछ लोग देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का जो ट्रिक है उसको अप्लाई कर दे रहे हैं रेक्टेंगल की काउंटिंग में। तो देखो बेटा ये नहीं करना है, स्क्वायर इज समथिंग डिफरेंट, रेक्टेंगल इज डिफरेंट। रेक्टेंगल हमारा 4 4-sided फिगर होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, वो भी 4-sided होता है लेकिन ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर की फिगर काउंटिंग का ट्रिक अलग है, रेक्टेंगल की फिगर काउंटिंग का ट्रिक अलग है। क्या है इसका, तो देखो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। अब इतना ज़्यादा क्यों यहाँ झंझट करना, सीधा देखो 1 2 3 1 2 3। अब क्या करोगे, सारे के सारे नंबर ऑफ रोज को ऐड कर दो, नंबर ऑफ रोज को ऐड कर दो और इस पे नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स 1 + 2 + 3 अगेन करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 + 2 + 3 ये हो गया कितना 6, और 1 + 2 + 3 ये कितना हो गया आपका अगेन 6। तो 6 6 = 36। तो कितने रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे, 36। अब 1 by 1 काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10, फिर ये 11, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कभी सही नहीं आएगा। सो 36 इज द राइट आंसर। चलो लेट्स सी द अगला वाला 30 सेकेंड्स।
टाइम अप, यस, एंड आंसर्स हम देख भी पा रहे थे आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बस पता होना चाहिए ना कि सोयाबीन में हमें क्या मिलता है. जैसे ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. अब ग्लूकोज का फॉर्म आपका शुगर हो सकता है, राइस हो सकता है. अब वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन से क्या मिलेगा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स या लेग्यूम्स. सो यस, ऑप्शन नंबर वन, प्रोटीन इज द राइट आंसर. ठीक है, लेट सी द नेक्स्ट वाला 30 seconds. चलो टाइम अप, लेट्स सी. 1760 20 क्वेश्चन मार्क, नंबर एनालॉगी है. अब 17 से 60 बना कैसे, 20 से क्या बनेगा, पहले तो यही सोचो 17 से 60 कैसे बनेगा. अच्छा 17 को 2 से मल्टीप्लाई तो करो जरा, तो कितना होता है, 2 7 14, 2 1 2 34. 17 को जरा 3 से मल्टीप्लाई तो करो जरा, 3 7 21, 3 1 3 51. अब देखो 34 भले ही 60 के पास नहीं है लेकिन 51 तो है ना. बट इसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं तब तो बात है, तभी 60 बनेगा. दैट मीन्स इंटू 3 प्लस 9, यस, तो 20 से भी यही करो, 20 इंटू 3 प्लस 9. अब 20 इंटू 3 प्लस 9 मतलब ये कितना हो गया हमारा, 60 प्लस 9 69. तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अब इसमें ये बोलते हैं कि ये आपके 4 के स्क्वायर में +1 है, ये 4 के क्यूब में -4 है, सेंस ही नहीं है ना. 20 को किससे ले लेते, 5 के स्क्वायर के पास या 4 के ही स्क्वायर के पास. तो इसका जो पैटर्न चल रहा है एक्चुअली वो यही चल रहा है, इंटू 3 प्लस 9. ठीक है, चलो लेट सीधा अगला वाला 30 seconds. चलो डन. अब यहाँ देखो कन्फ्यूजन है, बिल्कुल है. कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क टाइप किया है एंड कुछ लोगों ने मॉस्को टाइप किया है, पर एक्चुअली अगर हम बात करें यहाँ पे रेड स्क्वायर का, तो रेड स्क्वायर इज इन मॉस्को. जामा मस्जिद जैसे दिल्ली में है, रेड स्क्वायर आपका मॉस्को में है. अब रीज़न इसका सीधा सीधा सा ये है कि लगता ज़रूर है हमको कि ये न्यूयॉर्क में होगा या कहीं ऐसा, बट है नहीं. रेड स्क्वायर आपका मॉस्को में एक बड़ा सा सिटी स्क्वायर है, ठीक है, जो उसके रॉयल पैलेस को और सिटी को डिफ्रेंशिएट करता है या अलग करता है. ठीक, आगे बढ़े, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला 30 seconds. डन, टाइम अप, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया. अब यहाँ देखो हिंदी में दी ही हुई है लेकिन सिर्फ आप बोलोगे ट्रैकोमा का ट्रांसलेशन दे दिया, एक्जीमा का ट्रांसलेशन दे दिया, पर ये डिसीजेज यही कहलाती है ना. अब ये समझो कि ट्रैकोमा, ग्लोकोमा या मोतियाबिंद या कैटराक, ग्लोकोमा या ट्रैकोमा, ये सारे के सारे आई डिसीज हैं. और वहीं अगर हम एक्जीमा की बात करें, एक्जीमा इज अ स्किन डिसीज, इज अ स्किन डिसीज, ठीक है, वो जिसमें रैशेज, वाइट कलर के, रेड कलर के रैशेज होते हैं बॉडी पे,
दैट इज कॉल्ड एक्जिमा. ठीक है, चलो लेट सी द अगला वाला 30 seconds. टाइम अप. ओके, लेट्स सी. 81 9 7 29, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है. 64 8 5 1 2. अब यहाँ पे देखो तो ये 9 है, ये 81 है, ये 729 है. 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729. यस और नो? हाँ, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512. तो वही यहाँ पे भी हो रहा है. देखो 7 का स्क्वायर 49, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? 7 का क्यूब, एंड 7 का क्यूब इज 343. ठीक, चलो नेक्स्ट वाला 30 seconds. बस क्या है अब ये डांसेस, और हमें पता है इसमें भी कुछ लोग गड़बड़ करेंगे. मोहिनी अट्टम इज अ डांस ऑफ केरला, तो कथकली कहां का है? ये भी तो केरला का ही है. हाँ या ना? यस, वेरी सिंपल. अब कंफ्यूजन यहां पे हो सकता था ऑब्वियसली, और जब कंफ्यूजन यहां पे हो सकता था तो गड़बड़ तो होती ही होती, और गड़बड़ होना तो बिल्कुल तय ही था कि यहां पे फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी. पर खुद सोचो, मोहिनी अट्टम की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं कथकली की, ये दोनों के ही दोनों क्या है? हमारे डांस फॉर्म्स हैं. ठीक है, सो यस, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मोहिनी अट्टम भी केरला एंड कथकली भी केरला. कि कथकली कहीं और का है? बोलो बोलो. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहीं और का है? नहीं ना. मलयालम स्पीकिंग स्टेट्स के ये दोनों के दोनों डांस फॉर्म, मोहिनी अट्टम भी और कथकली भी. दैट इज वाई जो केरला यहाँ है वही केरला यहाँ पे भी रहेगा. अब ये इजी गोइंग क्वेश्चन था, बट वंस केरला, अब आप लोग को लगा होगा टाइपिंग एरर है, पर ऐसा नहीं है. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला. अब आप लोग कर क्या सकते हो? तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, आसाम का कमेंट बॉक्स में मेंशन करके उसको चेक कर लो, रिवाइज कर लो, सब लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो. लेट्स सी द अगला वाला 30 seconds. अब ये तो हम कहेंगे नंबर सीरीज बहुत ही सिंपल है. एंड 30 seconds इज मोर देन इनफ टू ब्रेक दिस नंबर सीरीज. बहुत बढ़िया आंसर आया भी, आप लोगों ने टाइप किया भी, लेकिन देखो 316 318 में गड़बड़ कर रहे हो. तो यस, प्लस टू तो करना पड़ेगा ना, तो 318 ना आंसर हो गया इसका. देखो कैसे, 8 से 18 गया इंटू 2 प्लस 2, 18 से 38 गया इंटू 2 प्लस 2, 38 से 17 गया इंटू 2 प्लस 2, 78 से 158 गया इंटू 2 प्लस 2. तो 158 से जब आगे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ना, 158 इंटू 2, तो कितना हो जाता है? ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 3 316. अब इसमें प्लस 2 भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए 316 प्लस 2 318 विल बी द आंसर. दैट मींस इंटू 2 प्लस 2 का पैटर्न चल रहा है. ठीक है, लेट सी द अगला वाला
30 seconds. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, शैडो बेस्ड क्वेश्चन है ये. सो यस, टाइम अप. अब देखो क्या हुआ ये. इन अ मॉर्निंग ए एंड क्यू वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर. एक सुबह, तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ मॉर्निंग में शैडो कहाँ बनती है. मॉर्निंग में शैडो बनती है वेस्ट में, पक्की बात. अब जब शैडो बनती है वेस्ट में तो ए और क्यू एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं. अब मान लो आप ए हो हम क्यू हैं, ठीक है. अब जब आप ए हो और हम क्यू हैं तो आप हमारी तरफ चल रहे हो, हम आपकी तरफ चल रहे हैं. आप ए हो, आपकी शैडो कहाँ पड़ रही है, हमारे राइट में, क्योंकि हम तो क्यू है ना. तो अब अगर हमारे राइट में बन रही है दैट मीन्स इधर बन रही है शैडो आपकी, तो ऑब्वियसली आपकी शैडो इधर ही तो बनेगी ना. अब सुबह सुबह शैडो बनती है वेस्ट में, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, वेस्ट. चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, हमारे राइट में वेस्ट, आपके लेफ्ट में वेस्ट. अग्रीड, पक्का. तो हमारे राइट में और आपके लेफ्ट में वेस्ट. तो अब हमारे लेफ्ट में क्या होगा, हमारे लेफ्ट में ईस्ट होगा और आपके राइट में ईस्ट होगा, वाइस वर्सा ना. हमारे राइट में वेस्ट, लेफ्ट में ईस्ट, आपके लेफ्ट में वेस्ट तो राइट में ईस्ट. हमारा फेस कहाँ है, ऑब्वियसली साउथ में. पेन का कलर चेंज करके बताते हैं. हमारा फेस साउथ में, आपका फेस नॉर्थ में. और क्वेश्चन यही पूछा कि इन विच डायरेक्शन क्यू इज फेसिंग, क्यू किस दिशा में देख रहा है. तो क्यू इज फेसिंग इन साउथ, ठीक है. इजी था, सिंपल था. बस वही है, कंडीशन इधर उधर करोगे तो गड़बड़ तो होगी होगी, ठीक. लेट सी द अगला वाला. 30 seconds. ओके, टाइम अप. नंबर ग्रुपिंग, नंबर ब्रैकेट. अब पता है दिमाग क्या लगता है कि यहाँ कुछ स्क्वायर हो रहा होगा, यहाँ कुछ क्यूब हो रहा होगा, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ कुछ डिवाइड हो रहा होगा. पर ये सिंपल सा फंडा है. देखो 55 और 55 का डिफरेंस, 50 और 45 5 का डिफरेंस, डिफरेंस है यहाँ पे. अब अगर यहाँ देखो 33 और 29, तो 29 और 25 4 का डिफरेंस. अब 29 और 33 कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 29 और 33 कितने का डिफरेंस है, अगेन 4 का डिफरेंस, ठीक है. अब 44 40 36, तो ये भी 4 का डिफरेंस, ये भी 4 का डिफरेंस, ठीक है. फिर इसके बाद ये देखो कि यहाँ कितने का डिफरेंस है, 11 और 9 में 8 का डिफरेंस, 19 और 28 में 9 का डिफरेंस, 13 11 में 2 का डिफरेंस, 13 और 25 में 12 का डिफरेंस. तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो हटा दो अगर हम डिफरेंस सेंस से देख रहे हैं. और डिफरेंस सेंस से नहीं भी देख रहे हो तो एक जो यहाँ समझ में आता है क्या, 5 9 5 10 5 11, ठीक. अब जरा 33 29 को देखो, तो ये आपका 5 5 सा तो है, लेकिन ये क्या है डिफरेंस, तो चलो 4 4 का हमने पकड़ लिया, पर ये तो 5 से कुछ भी नहीं है ना मल्टीपल्स में. तो अगर हमें सिमिलर मल्टीपल चाहिए तो ऑप्शन नंबर 2 के अलावा कहीं है ही नहीं, 44 40 36. तो देखो 4 9 4 10 और ये हो गया हमारा 4 11, समझ में आया. तो 4 का डिफरेंस है प्लस मल्टीपल्स भी उसी हिसाब से जैसे कि हमारे यहाँ दिया हुआ है, राइट. तो ये हो गए हमारे आज के सेशन के 10 क्वेश्चन. एक बार फिर से ज़रा क्लास की टाइमिंग देख लो,
फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की होती हैं, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की होती है। ये क्लासेस आपकी रेगुलरली मंडे से लेकर संडे तक होती है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको अटेंड करें, हमारी प्रोफाइल को फॉलो करें, प्लस कोर्स की क्लास 12 बजे से 1 बजे तक अगर सब्सक्राइबर हो तो अटेंड करो। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज़ कर सकते हो आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं, ताकि इनको ऑल अन अकेडमी की फैसिलिटी मिले, तो बस दैट इज़ SMS 10। सेशन पसंद आया है, क्वेश्चंस पसंद आए हैं, तो ऑब्वियसली लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे कल फिर से 4:30 बजे अगले 10 क्वेश्चन के साथ विद टाइमर ऑफ कोर्स। तो तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।